भूत। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है इश्क का भूत, मींस इश्क वाला भूत का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं इस वीडियो को एम करती हूँ 100 लाइक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सब्सक्राइब तो आप सब कर ही दोगे, एंड घंटी तो आप सब बजा ही दोगे ना। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। एंड मेरी क्यूटनेस के लिए यार शेयर भी कर देना, और कहना कि सब्सक्राइब करने के लिए। चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर 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 प्लीज देखिए, इस लड़की को क्या हो गया? हरे राम, अब मुझे ही हीर मैडम को ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं क्या जरूरत थी उन्हें अकेले जाने की, इतना तकलीफ हो गया है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है? डॉक्टर डॉक्टर देखिए, मैंने ऐसे यहाँ लेटा दिया, जल्दी से चेक कीजिए ना, क्या हुआ? डॉक्टर आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं मिस्टर? ये आपकी क्या लगती है, इन्हें क्या हुआ है बताइए। डॉक्टर वो हुआ हुआ यूं कि, और इसी तरीके से ये मेरी कुछ लगती तो नहीं है डॉक्टर, पर ये मुझे इतनी सुंदर लगी कि मैं ले आया। यार हद हो गई है मानवता की, लोगों की सुंदर देख करके ले आते हैं। कोई पिसाच वगैरह निकल गई तो आप क्या करोगे, कहो मुझे। अरे डॉक्टर आप डॉक्टर हो या कुछ भूत जो इतना भूत वाली बातें करते हो? चलिए चेक कीजिए जल्दी, इन्हें मैंने फी पे कर दी है, सारे फॉर्मेलिटीज भर दिए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चेक करती हूँ। तब तक के लिए आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए। हे भगवान, मुझे पता नहीं वो लड़की मुझे इतनी अच्छी क्यों लगी, प्लीज उसे बचा लीजिए। बदनाम है मरने वाला अरे ये किसी आवाज आ रही है, अभी जाता हूँ मैं। डॉक्टर डॉक्टर क्यों? हाँ कही, मैंने चेक करी हूँ ना, आपके आपसे कहा था ना वेटिंग रूम में वेट करो। कहिए कहा था ना। ओ सॉरी सॉरी डॉक्टर, मुझे लगा कुछ आवाज अजीब सी आ रही, मैं जाता हूँ वेटिंग रूम में। हे भगवान प्लीज उस लड़की को बचा लेना, बेचारी लड़की के माँ बाप कितने चिंता में होंगे। जैसे जैसे इस हाथ में मेरी मुंडी है वैसे इस लड़की की भी होगी, आज नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। अजी आप क्या कर रहे थे इतने देर पुलिस के साथ? कहिए पुलिस स्टेशन में मुझे बैठा दिया, क्या हुआ मेरी हीर का, क्या बोला पुलिस ने? भगवान रमा हीर नहीं आएगी। अजी क्या कह रहे हो, बताओ जल्दी, मुंह बंद क्यों रखा हुआ है? भाग्यवान पुलिस ने कहा कि 24 घंटे से पहले हम रजिस्टर नहीं कर सकते, चाहे आप पीएम भी क्यों ना हो, पर वैसे भी उन्होंने सारी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि आपकी हीर वगैरह कितने बजे निकलती थी, मैंने कहा कि नॉर्मली तो वो 12 एक बजे ही निकलती थी, मतलब वो मैक्सिमम एक बजे तक घर आ जाती थी, पर 1:30 बज गए। तो पुलिस ने कहा कि आप इतने बड़े कंपनी के मालिक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, कानून के नियम है 24 घंटे पहले हम दर्ज नहीं कर सकते, पीएम नहीं है क्योंकि। और अगर नहीं भी आए तो क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हो आप? अरे नहीं नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बिटिया की। एक काम करते हैं, चलो अब पंडित जी से हम बात करते हैं, वही बताएंगे कि हीर कहाँ है। रामेश्वर पंडित जी को फोन लगा करके पूछिए कि कहाँ है। हाँ हाँ भाग्यवान अभी फोन लगाता हूँ, अभी लगा रहा हूँ मैं। उससे पहले मैं रामू के बच्चे से पूछ लूँ कि कहाँ ढूंढा क्या मेरे हीर को उसने। निंग नॉन्ग निंग नॉन्ग निंग नॉन्ग निंग नॉन्ग निंग नॉन्ग। हेलो रामू के बच्चे। हाँ बॉस कहिए, मैं हीर मैडम को ढूंढ ही रहा, नौकरी समझ निकालिए मुझे। ढूंढ रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ ढूंढ 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 रहा हूँ।
बच्चे दो घंटे से, 3 बज गए रात के और हीर का कोई अता पता नहीं। क्या ढूंढ रहा है तुझे, क्या वहाँ सिग्नल मिल रहा है बता, हीर का कुछ नामो निशान दिखा? पुलिस स्टेशन आए हैं, पुलिस ने कहा कि अभी 24 घंटे के पहले वो दर्ज नहीं करा सकते। अच्छा सुन, मेरे पास वो रामेश्वर पंडित जी का नंबर नहीं, जल्दी से नंबर मैसेज कर दो। अरे जो हमारे हैं पंडित जी, जो ऑफिस में हमारी पूजा करने आते हैं, जल्दी नंबर सेंड कर रामू, वरना नौकरी से तू फायर आउट। रामू भैया मेरी ये बॉस, सिग्नल तो बहुत मिल रहा है, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। उनका एक वाई, उनके तो कोई भी सबूत नहीं मिला है हीर मैडम का, पर मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। बॉस, एक अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, पर हीर मैडम की जो खुशबू थी ना सेंट, वो मुझे यहाँ आसपास सूंघने में आ रही है, और कुछ भूतिया सी आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मैसेज कर रहा हूँ, घबराइए मत बॉस, अभी मैं रामेश्वर पंडित जी के मैसेज करता हूँ, जल्दी से मैसेज पढ़िए। ये हो गया मैसेज बॉस, ठीक है चलिए बॉस, मैं ढूंढ रहा हूँ, चलिए रखता हूँ। क्या ऐसी आवाज़ें, अरे मजाक कर रहे हो क्या रामू? अच्छा ठीक है चलो, हम रामेश्वर पंडित जी से बात करते हैं। अच्छा चल रामू, फ़ोन करता हूँ। और रामेश्वर पंडित जी का नंबर चल मिल गया, रामू ने भेज दिया था। हेलो भाई लागू पंडित जी। बेटा बोल। इतनी सुबह मैं ध्यान में हूँ बेटा, वैसे तुझे क्या काम है? हृदय बेटा बोल, तू परेशान सा लग रहा है। और मैं तो हूँ ना बेटा, तो अलग निरंजन। मामा। अरे आप बाबा बाबा करते रहेंगे, लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। हाँ हेलो भाग्यवान, तुम मुझे समझा पाओगी बाबा वगैरह को? बाबा प्रणाम, मैं रमा। बाबा आपने कहा था ना कि हमारी बेटी के ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे, देखिए ना एक ही तो बेटी है हमारी, बेटा तो बाहर पढ़ाई करता है वो, और बेचारी वो ऑफिस संभालती है, इनका ये बूढ़े हो गए है ना। अरे अरे भगवान, तो हुआ यूँ पंडित जी, और अभी रात सुबह के 3 बज गए पर उसका कोई नामो निशान वो कहीं नहीं दिख रही, कहीं मिल नहीं रही, पुलिस के पास आए तो हुआ यूँ। ओम शांति, ओम साई साई। अच्छा तो ये बात है बेटा। रामा बेटा तू चिंता ना कर, साई ठब साई जी सब ठीक कर देंगे बेटा। मैं अभी ध्यान कर बताता हूँ कि क्या बात है। हाँ हाँ बाबा जी, आप बताइए क्या बात है। हम इंतजार कर रहे हैं बाबा जी, हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ओम अति ध्यानम। क्या ये, मैं क्या देख रहा हूँ बेटा? भगवान जी प्लीज जल्दी लड़की को ठीक कर दो, डॉक्टर कुछ रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे यार। ओ बेटा, तेरी बेटी पे एक भूत का साया है, पर तू डरियो मत, ये रामेश्वर उस भूत का काल कर देगा। हा 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 हा। क्या? अरे अरे भगवान क्या कहा पंडित जी ने, बताओ ना साफ साफ बात। ला मुझे, तुम फोन ला, फोन ला मुझे। क्या ये क्या करे बाबा, ये आप मजाक कर रहे ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है जी, हो सकता है, ये भूत भूत आगे आजकल के ज़माने में भी आ रहे हैं। कहा था ना रामू जी ने, रामू भैया ने, कि कुछ भूत वाली भूतिया आवाज़ें आ रही हैं, और उसकी महक और महक से तो भूत अट्रैक्ट होते हैं। क्या पंडित जी, प्लीज़ आप कुछ कीजिए जल्दी, पंडित जी प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए। बाबा प्लीज़ जल्दी कुछ कीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को कुछ भी हो जाए, प्लीज बाबा। उस चुड़ैल ने 10 मिनट का टाइम दिया, अगर हमने 10 मिनट में कुछ नहीं किया तो फिर क्या बाबा, कुछ नहीं 10 मिनट में आप कुछ करो, आपको जब तक कुछ भी चाहिए मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, प्लीज बाबा प्लीज प्लीज बाबा मैं प्लीज मैं प्लीज कुछ कीजिए बाबा। हाँ जी भाग्यवान, तुम रो मत भाग्यवान, तुम सदमे में आ गई हो क्या? हाँ जी 9 मिनट बच गए, बीत गए सिर्फ 1 मिनट बच
बचे, क्या होगा उसका? बाबा भगवान तुम चिंता मत कर, मैं बाबा को फोन अभी नहीं कर सकता, वो ध्यान में कुछ कर रहे होंगे। ये क्या, सिर्फ एक मिनट बचा है। भूति या भागा भागा, ये क्या? अब बहुत हो गया, मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं जाता हूँ अभी डॉक्टर के पास। अब समय बीच सिर्फ 5 सेकंड। डॉक्टर,